तो प्रोसीजर क्या है रीनल ट्रांसप्लांटेशन की, वो अब हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट, प्रोसीजर में क्या है, जो ऑपरेशन है वो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को बेहोश किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसे पता ना चले क्या हो रहा है, ठीक। दूसरा, जो ऑपरेशन है उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं ऑपरेशन करने में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो किडनी है उसे किडनी को क्या करते हैं, रिट्रोपेरिटोनियली, रिट्रोपेरिटोनियली इन द इलियक फोसा ट्रांसप्लांट की जाती है। द किडनी इज रिट्रोपेरिटोनियली इन इलियक फोसा ट्रांसप्लांटेड एंड व्हाट दे डू इज, ठीक है, दे कनेक्ट न्यू किडनी विद द ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल से कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब तक नहीं मिलेगी हमारी किडनी को, तब तक वो फिल्ट्रेशन का काम कैसे करेगी। तो क्या करते हैं, ब्लड वेसल से जो है उसे कनेक्ट करते हैं वेन्स से और आर्टरी से, और फिर दे कनेक्ट न्यू किडनी टू ब्लैडर, उसे ब्लैडर में, ब्लैडर से कनेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही जो ओल्ड किडनी है, यदि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, इफ फेल्ड किडनी कहें, फेल्ड किडनीज डोंट हैव इन्फेक्शन और अदर प्रॉब्लम, देन इट कैन बी रिटेन एट इट्स प्लेस, ठीक है। उसकी जगह पे ही उसे रहने देंगे और उसे निकालेंगे नहीं, उसे वहीं रहने देंगे। जो पुरानी किडनी है, ओल्ड किडनी, जो कि फेल हो गई है लेकिन वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पा रही हैं, तो उन किडनी को जो है हम नहीं निकालेंगे और वहाँ रहने देंगे। लेकिन यदि कोई और प्रॉब्लम कर रही है, जैसे कि यदि उसमें इन्फेक्शन है या फिर वो सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रॉस कर रही हैं, तो उन किडनीज को निकाल दिया जाएगा, अदरवाइज उन किडनी को वहीं रहने देंगे, ठीक। तो फेल किडनी को नहीं जो है निकालेंगे। देन जो न्यू किडनी है, फंक्शन स्टार्ट फंक्शनिंग न्यू किडनी किडनीज, ओके नो सॉरी, द न्यू किडनी स्टार्ट्स फंक्शनिंग एज सून एज ब्लड फ्लो इन दैम, बट इट कैन टेक टाइम ऑफ अ वीक, ठीक है। वैसे तो किडनीज जो है जैसे ही उसमें ब्लड फ्लो होगा वैसे ही काम करना शुरू कर देंगी, लेकिन इस प्रोसेस को, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के उसके फंक्शन, प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या हो सकता है, 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है। एंड सो द पेशेंट शुड स्टे इन अ हॉस्पिटल फॉर अ वीक, एटलीस्ट, ठीक। कम से कम 1 हफ्ते तक पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में ही रखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं कि किडनी के फंक्शंस कैसे हैं, प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, और जब देख लिया जाता है कि ओके दिस किडनी इज फंक्शनिंग वेल, देन पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक। तो दिस इज द प्रोसीजर, हम यहाँ पे आपको मैं बना के बताऊंगी कि कैसे नई किडनी को जो है वो लोग ट्रांसप्लांट करते हैं।
ठीक, ये है हमारे ब्लैडर जो ओल्ड किडनी का है, ठीक है। ओके, ये है फेलियर किडनी। अब इसमें मैं जो है आपको बताना चाहूंगी कि कैसे, ठीक, ये हमारी जो है वेन्स जो है वीना कावा है, और ये जो है हमारा ये है हमारा एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, और ये है हमारी इन्फीरियर वीना कावा, जिससे रीनल आर्टरी निकलती है और क्या करती है, सप्लाई करती है किसको, ये हमारी है वेन, ठीक। अब जब ये इन्फीरियर वीना कावा नीचे रहती है और जो हमारा एओर्टा रहता है वो जब लोअर पार्ट में होता है, हमारे लोअर रीजन में, तो क्या होता है कि यहाँ से इलियक आर्टरी और इलियक वेन जो है वो निकलती है, ठीक। इलियक आर्टरी और इलियक वेन, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी नई किडनी होती है जो कि ट्रांसप्लांट की जाती है, उसे क्या करते हैं, इलियक फोसा में उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। वो किडनी अपने ही स्थान पे है, वो किडनी अपने ही स्थान पे है, लेकिन जो न्यू किडनी है उसे हमने क्या किया, इलियक फोसा में, मतलब कि जो यहाँ पे जो पार्ट रहता है उसको इलियक फोसा कहते हैं, ठीक, उस स्थान पे जो है हमने किडनी को अटैच कर दिया है यहाँ पे, और उसको क्या किया है यहाँ पे, जो न्यू यूरेटर है, जो किडनी का, इस किडनी का यूरेटर था, उसको क्या करते हैं हम, इस ब्लैडर से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो न्यू किडनी है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारी इलियक आर्टरी और इलियक वेन है, ठीक, ये है ट्रांसप्लांटेड किडनीज, ठीक है, न्यू किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी, और ये है फेल्ड किडनी, दिस बोथ आर फेल्ड किडनीज, ठीक। ये हमारा ब्लैडर है, और ब्लैडर से क्या किया, ब्लैडर से यूरेटर को, न्यू किडनीज यूरेटर, जो ट्रांसप्लांट की है किडनी उसके यूरेटर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो नई किडनी है, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, उसमें ब्लड सप्लाई हो जाती है और उससे यूरिन भी जो है ब्लैडर में आ पाती है, और इस प्रकार जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। रिट्रोपेरिटोनली किया है, ठीक है, जो पेरिटोनियम है उसके पीछे किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और उसे नई किडनी, जो दे कनेक्ट दिस न्यू किडनी विद द ब्लड वेसल, देख रहे हैं आप, इलियक आर्टरी और इलियक वेन से कनेक्ट कर दिया, और साथ ही उसे ब्लैडर से कनेक्ट कर दिया गया है। देन जो जो फेल्ड किडनीज हैं उन्हें स्थान पर ही रखा जाता है, एक्सेप्ट इफ दे कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। देन जो न्यू किडनी है, दैट स्टार्ट द फंक्शनिंग एज सून एज द ब्लड फ्लोज इन टू दैम, एंड इट कैन टेक द टाइम ऑफ अ वीक ऑल्सो, सो द पेशेंट शुड स्टे इन अ हॉस्पिटल फॉर अ वीक और सो, सो दैट द डॉक्टर विल ऑब्जर्व दैट द ट्रांसप्लांटेड किडनी इज फंक्शनिंग वेल, ठीक। तो दिस इज द रीनल ट्रांसप्लांटेशन, और इसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने यहाँ पे देखी।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी पढ़ लिया है किडनी के बारे में, और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है ये हमारा ह्यूमन का, और अब हम देखेंगे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या होते हैं, ठीक? क्योंकि कुछ और भी ऑर्गेन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं हमारे शरीर में, तो वो ऑर्गेन कौन से हैं वो हम आज देखेंगे, ठीक? एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, एक तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा वो है बाय स्वेटिंग, स्वेटिंग से भी एक्सक्रीशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्किन, स्किन जो है वो क्या करती है, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। अच्छा, कुछ जो लोअर जीव हैं उनमें जो बॉडी वॉल है जैसे कि हाइड्रा या सिलेंट्रेटा, उनकी बॉडी सरफेस से ही जो है एक्सक्रीशन का काम किया जाता है, ठीक। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं जो कि लैंड एनिमल्स हैं, उनमें क्या हुआ कि स्किन से एक्सक्रीशन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रह गया, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट था उसमें वाटर की बहुत कमी थी, स्कैसिटी थी, तो उस कारण से हमारी स्किन के द्वारा जो इवेपरेशन था या कहें एक्सक्रीशन था वो काफ़ी कम हो गया, लेकिन स्टिल वी डज एक्सक्रीशन विद द स्किन, ठीक। तो सबसे पहले तो होता है स्वेट के फॉर्म में, और दूसरा होता है सीबम के फॉर्म में, ठीक। तो स्वेट के फॉर्म में जो है, स्वेट जो है एक ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड जिसे कहते हैं या सुडोरी फेरस ग्लैंड भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, दे गेट स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। और द स्वेट जो एक्सक्रीट किया जाता है स्किन के द्वारा, इट कंटेन वाटर, इनऑर्गेनिक आयन, सॉल्ट, और ठीक इनऑर्गेनिक आयन, वाटर, यूरिया भी कुछ मात्रा में रहता है, और सम अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज भी रहता है, उसके ट्रेसेस ओनली अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज जो बहुत ही कम मात्रा में रहता है, ठीक। देन ये जो स्वेट होता है हाई टेम्परेचर में ज़्यादा जो है स्वेटिंग हमें हाई टेम्परेचर में ज़्यादा होने लगती है, ठीक। दूसरा कि जो ओके लैक्टिक एसिड भी जो है इसमें, लैक्टिक एसिड भी जो स्वेट है उसमें पाया जाता है। ये लैक्टिक एसिड जब हम बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे स्वेट में इस लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। क्यों ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके लैक्टिक एसिड बनाने लगती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, और इस कारण जब लैक्टिक एसिड मसल्स में बढ़ेगा तो वो हमारे पसीने के द्वारा भी, हमारे स्वेट के द्वारा भी एक्सक्रीट किया जाने लगता है, ठीक। तो ये जो हमारा स्वेट है ये लैक्टिक एसिड भी सिक्रीट करता है। अच्छा, जब स्वेट बहुत ज़्यादा, यदि हमें स्वेटिंग होती है तो वो बहुत इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, लेकिन यदि आफ्टर हैवी स्वेटिंग हम यदि बहुत ज़्यादा पानी ले लें, सादा पानी, तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, और ये डाइल्यूट फ्लूइड के कारण हमें जब हमारे आयंस का कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो इस आयन के डिक्रीज कंसंट्रेशन के कारण हमें क्रैम्प फील होने लगता है। इसलिए जो है यदि हैवी स्वेटिंग हो या ज़्यादा जो है फ्लूइड लॉस हो तो हमें सादा पानी नहीं लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा जो है डाइल्यूटेड विद द सम सॉल्ट, जैसे कि नमक यदि डालें तो उसके साथ यदि हम पानी लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब जो है सलाइन दी जाती है डिहाइड्रेशन के केस में, तो वो सिंपल वाटर क्यों नहीं देते हैं, वो इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि सॉरी
सिंपल फ्लूइड देने से क्या होगा कि वो क्रैम्प कॉज कर सकता है, और इसलिए इस क्रैम्प को प्रिवेंट करने के लिए इट शुड बी प्रिवेंटेड बाय गिवन द सलाइन फ्लूइड, ठीक है, जो सलाइन में सॉल्ट कंटेंट रहता है, ठीक है, जो हमारा कंपोजिशन होता है हमारे बॉडी फ्लूइड का, वैसा ही कुछ सिमिलर सलाइन का कंटेंट बनाते हैं और फिर जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि वो डिहाइड्रेशन से बच जाता है, ठीक। सो स्वेट में हमने देखा सुडोरीफेरस ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है, और ये इंक्रीज टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो तो स्वेटिंग को जो है या तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की हो या टेम्परेचर बढ़ा हो तो उससे जो हमारा स्वेटिंग है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसमें वाटर, इनऑर्गेनिक आयन, यूरिया, लैक्टिक एसिड और कुछ अमीनो एसिड और ग्लूकोज भी होते हैं, ठीक। तो अब आते हैं हम सीबम पर। सीबम जो है शिबेशियस सीबम जो होता है वो ऑयली कंटेंट होता है, ठीक है, स्वेट जो है वो वाटरी कंटेंट है, जबकि जो सीबम है, ठीक, स्वेट जो है वो वाटरी कंटेंट है, जबकि सीबम जो है वो है ऑयली कंटेंट। सीबम जो है वो सीबेशियस ग्लैंड या इन्हें कहते हैं ऑयल ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीट द सीबम, ठीक। और जो सीबम होता है वो किस किस से बना होता है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन, ये जो ऑयली सब्सटेंस है स्टीरॉल, ये जो है इसमें एक्सक्रीट किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ सीबम, इन फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक। अच्छा, ये जो सीबम है ये कंटिन्यू डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है, डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली, जबकि हमारा जो स्वेट है वो बहुत एक्टिविटी करने पे या ज़्यादा गर्मी होने पे स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा हमें होती है, ठीक है। कंटेंट हमने देख लिया सीबम का, ठीक, ओके ओके। अच्छा, जो हमारा स्वेट है वो स्किन पे डिस्चार्ज या रिलीज किया जाता है, डिस्चार्ज ऑन द स्किन, जबकि जो सीबम होता है वो क्या होता है, ये हेयर फॉलिकल के एंड पे डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज्ड इनटू हेयर फॉलिकल्स, ठीक। और जो स्वेटिंग है वो क्या करती है हमें, दिमैक अस कूल, दिमैक बॉडी कूल बाय इवोपरेशन, जब पसीने का इवोपरेशन होता है तब वो क्या करती हैं, हमें कूलिंग का एहसास दिलाती हैं और हमारी बॉडी सरफेस पसीने के कारण कूल हो जाती हैं, और इस प्रकार दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जबकि जो सीबम है वो क्या करता है, कीप द स्किन एंड हेयर मॉइस्ट, उन्हें ड्राई नहीं होने देता और हमारे स्किन को और हेयर्स को मॉइस्ट रखता है और ड्राइनेस से बचाता है, ठीक। तो ये जो स्किन है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि स्वेट और सीबम सिक्रीट करता है, स्वेट जो है वो सुडोरीफेरस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जबकि सीबम जो है वो सीबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक। ये जो है इंक्रीज टेम्परेचर से जो है स्टिमुलेट होता है, जबकि ये कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहता है। ये कंटेंट होता है इसका वाटर, इनऑर्गेनिक आयन, यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड, जबकि सीबम जो है वो फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन एंड स्टीरॉल, स्टीरॉल जो है इन ये सभी ऑयली सब्सटेंसेस हैं और इनसे ये बना रहता है और इसमें ये एक्सक्रीट किए जाते हैं, ठीक। उसके साथ ही ये स्किन पे डिस्चार्ज होता है, जबकि ये हेयर फॉलिकल में डिस्चार्ज होता है
और इस प्रकार हेयर्स और स्किन को ये मॉइस्ट रखता है। जबकि पसीना क्या करता है, स्वेटिंग क्या करती है, इवेपोरेशन के द्वारा हमारी स्किन को, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है और स्किन को कूल रखती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन, और इसमें स्वेट और सीबम के बीच में डिफरेंसेस भी हैं जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो दीज आर द differences between sweat and sebum. Okay friends, तो accessory organ में skin हमने देखा, अब ये जो है दूसरा organ हमारा है lungs. Lungs कैसे excretory organ है? अरे भाई, कितनी सारी carbon dioxide जो है वो हम दिन रात जो है बाहर excrete करते रहते हैं, इसलिए लंग्स इज ऑल्सो अ एसेसरी ऑर्गेन। ठीक, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही हम वाटर भी जो है एक्सक्रीट करते हैं लंग्स के द्वारा। अच्छा, अराउंड 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम पर आवर रिलीज करते रहते हैं, 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 400 ml ऑफ वाटर जो है वो हम पर डे जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, भाप के रूप में, इवोपरेशन के रूप में जो है वो हम जो वाटर है उसको रिलीज करते रहते हैं, और ये क्वांटिटी है ऑलमोस्ट 400 ml ऑफ वाटर पर डे, आधा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लीटर। ठीक, सो दिस मच वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के द्वारा रोज रिलीज की जाती है, और इसलिए लंग्स भी जो है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ जो कुछ और सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कुछ, ठीक है, स्पाइसेस जो हैं वो लंग्स के द्वारा जो है एक्सक्रीट की जाती है इन फॉर्म ऑफ फ्यूम्स। ठीक, ऐसे ही कुछ और भी सब्सटेंसेस जो बॉडी में यदि रहें तो फ्यूम्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट की जाते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्यूम्स। ठीक है, दूसरा, इसका जो ये जो क्वांटिटी हमने बताई है 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 400 ml of water, this depend upon the ventilation and also the breathing pattern. ठीक है, यदि nose से breathing ज़्यादा है तो जो water loss है वो हम ज़्यादा होगा, यदि mouth breathing ज़्यादा है तो ये जो water loss है वो कम होगा। ठीक, सो वेंटिलेशन और ब्रीदिंग पैटर्न की नोज से ब्रीदिंग ले रहे हैं या माउथ से, दैट अफेक्ट्स दिस वाटर जो रिलीज है उसको अफेक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफकोर्स वेंटिलेशन अफेक्ट करेगा ही, जितना वेंटिलेशन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है लंग्स हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, लंग्स के बाद जो एक एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है हमारा कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारा एक एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वो कैसे है कि जो एपिथेलियल सेल होती है हमारे कोलोन की, दे सिक्रीट्स इनऑर्गेनिक आयन, जो एक्सेस ऑर्गन हो आयंस हो जाते हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको वो एक्सक्रीट करती हैं कोलन में, और कोलन से फीसिस में उसे बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, देन एक्सक्रीटेड विद फीसिस। फीकल मैटर में उसे रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रकार कोलन भी जो है, कोलोन भी जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का काम करती है। इसके बाद जो है वो है हमारे लिवर। लिवर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी सारे जो हैं एक्स्ट्रा विटामिन्स, ठीक है, उसके साथ ही पिगमेंट्स जो बनते हैं बिकॉज ऑफ आरबीसी जब वॉर्न आउट हो जाती हैं, और आरबीसी से हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन,
नामक दो पिगमेंट्स बनते हैं और इन्हें वो क्या करता है, बाइल में सिक्रीट करता है और बाइल जो है वो फर्दर फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए जो फीसिस में ये सारा एक्सक्रीशन वाया जो थ्रू द लिवर आया है वो वाया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फिर फीसिस में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक ठीक है, एक्स्ट्रा विटामिन, उसके साथ ही स्टीरॉइड, कुछ हॉर्मोन्स, ड्रग्स, ये सभी लीवर के द्वारा ही जो है ब्रेक डाउन करके और फीसिस में रिलीज की जाती है। उसके साथ ही अमोनिया से यूरिया बनाने का काम अमीनो एसिड से, अमोनिया और अमोनिया से यूरिया बनने का काम भी हमारे लीवर में ही होता है इनटू द यूरिया साइकिल। ठीक है, या यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन आर्जिनिन साइकिल भी इसे कहते हैं। तो ये जो अमोनिया से यूरिया बनने का जो प्रोसेस है वो भी लीवर में ही होता है। इस प्रकार लीवर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है फॉर द एक्सक्रीशन। ठीक, इन सब चीज़ों को वो एक्सक्रीट करता है। पिगमेंट्स बहुत खास है इसमें, ये जो पिगमेंट्स बनते हैं यदि लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण वो ये पिगमेंट्स को रिलीज ना कर पाए, बना ना पाए, तो क्या होता है कि ये पिगमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे ब्लड में भी आ जाते हैं और इसके कारण हमारी जो स्किन है वो येलोइश दिखने लगती है और उस स्थिति को जो है जॉन्डिस कहा जाता है, पीलिया कहा जाता है। तो वो लिवर के, लिवर में कुछ इन्फेक्शन या लिवर के जो है डिसफंक्शन के कारण वो स्थिति आती है और वो इसीलिए हम येलोइश कलर का जो है उसमें स्किन दिखती है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो बिलीरुबिन है ये येलोइश पिगमेंट होता है जो यदि ज़्यादा होने लगे तो हमारी बॉडी में जो है हमें जो स्किन है वो हमारी बॉडी की वो येलोइश दिखने लगती है। ठीक, तो लिवर, लंग, कोलन हो गया और लंग्स लिवर के बाद है एक गिल्स। गिल्स जो है वो ऑफ कोर्स फिश में या एम्फीबियंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है हमारे गिल्स भी, जो कि फिश में पाया जाता है। तो गिल्स इज ऑल्सो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। तो ये हैं हमारे सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। ओके, इसके अलावा सलाइवा, सलाइवा भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का काम करता है। सलाइवेशन जो है, सलाइवेशन में क्या होता है कि हैवी मेटल्स जो हैं वो एक्सक्रीट की जाती हैं और इसलिए सलाइवा इज आल्सो डू द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, हैवी मेटल्स को ये एक्सक्रीट करता है। ठीक है, हैवी मेटल्स और कुछ ड्रग्स, तो हैवी मेटल्स और ड्रग्स को जो है ये हमारा सलाइवा जो है वो एक्सक्रीट करता है, इसलिए ये भी जो है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। सबसे पहले हमने देखी स्किन, स्किन में स्वेट और सीबम के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है। फिर लंग्स, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज किया जा रहा है जिसे वेंटिलेशन और ब्रीदिंग पैटर्न अफेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद कोलोन, कोलोन में जो है इनऑर्गेनिक आयन जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वो एक्सेस हो जाते हैं तो उन्हें एक्सक्रीट कर दिया जाता है फीसिस में। लिवर के द्वारा यदि विटामिन एक्स्ट्रा है तो हार्मोन, स्टीरॉइड, ड्रग्स और पिगमेंट्स जो कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है और साथ ही यूरिया फॉर्मेशन भी जो है वो लिवर में किया जाता है। उसके साथ ही सलाइवा और गिल्स, सलाइवा में हैवी मेटल्स और ड्रग्स को एक्सक्रीट किया जाता है और गिल्स जो है उसमें फिश में गिल्स पाए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स।